हरे कृष्णा, आप सभी को राधाष्टमी की शुभकामनाएं। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जैसे शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। शक्तिमान जो शक्ति को धारण करता है तो वो शक्तिमान कहलाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण की शक्ति है अल्लादिनी शक्ति। तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं आता, उनको आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी है। और राधा रानी को समझने के लिए आज की जो हम कलयुग में वासी हैं और हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो कलमश से भरा पड़ा है, तो ऐसी कलमती बुद्धि से अगर हम राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम संबंध को समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें काम वासना का आना स्वाभाविक है। ये वैसा ही है जैसे अगर यदि हम काला चश्मा लगा के या जिस किसी भी रंग का भूरा चश्मा लगा के और पूरी दुनिया को देखने का प्रयास करें तो हमें वो सारी दुनिया भूरी लगेगी। और इसके विपरीत हमें उसको अगर दुनिया का वास्तविक जो स्वरूप है वो देखना है तो चश्मा हटाना पड़ता है। उस जो आपने काल्पनिक चश्मा लगा रखा है, ऐसे ही जब तक हमारे मन का कलमश नहीं हटेगा जिसमें काम वासना रूपी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, तब उसके बिना अगर यदि हम श्री कृष्ण और राधा रानी के संबंध को समझने का प्रयास करेंगे तो ये काम वासना की तरफ स्वतः अपने को मोड़ के लेके जाएगा। इसलिए हमें राधा रानी के संबंध को सीधे तौर पे नहीं समझना चाहिए। यदि हमें उनको समझना है तो हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो कृपा करी है अवतरित होकर 500 साल पहले, जो स्वयं श्री कृष्ण है, श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन है, कृष्ण वर्णम अतिशा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन ही प्रारी यंति ही सुमेधसा। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के अंदर आए हैं और कलयुग के अंदर राधा रानी के भाव को लेके आए हैं। मतलब अगर हम चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं तो राधा और कृष्ण दोनों की आराधना होती है। कृष्ण तो वो स्वयं है और वो राधा रानी का भाव लेके आए हैं, वो भाव जो समुद्र, जो राधा भाव का समुद्र लेके आए हैं। और हमें चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, गदाधर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, राधा रानी का स्वरूप है, कि वो हमें राधा रानी का जो भाव का जो समुद्र है उसकी एक बूंद भी अगर हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो हम श्री कृष्ण के प्रेम को समझ पाएंगे और राधा रानी के वो जो अद्वितीय जो संबंध है उसको समझ पाएंगे। कलमश बुद्धि से अगर हम उनको समझने का प्रयास करेंगे कलयुग के टाइम पे तो वो हमें स्वतः ही काम की तरफ लेके जाएगी। इसलिए राधा रानी और श्री कृष्ण के संबंध को समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहिए, ना कि सीधे तौर पर राधा रानी और श्री कृष्ण के रासलीला को समझने का प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास का यही फल है, अगर हम डायरेक्ट उनको समझने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण लीला जैसी मूवीज़ बनाएंगे। फिर डायरेक्टर्स जो होते हैं मूवीज़ के, उनमें तो काम वासना भरी पड़ी है। मूवीज़ का मेन आज जो टॉपिक है जो है काम वासना को परोसना, लोगों के अंदर काम वासना जो है उसको एक तरह से भोजन प्रदान करना, आज की मूवीज़ का मेन यही रहता है। तो ऐसे लोग अगर श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ काम वासना ही समझेंगे, क्योंकि उन्होंने काम वासना का हृदय, उनके काम वासना जो है उनके हृदय में भरी पड़ी है। एक तरह से चश्मा उनका जो है काम वासना रूपी है। अब जब तक वो चश्मा नहीं हटेगा तब तक जो असली जो स्वरूप है राधा और कृष्ण का, जो उनके प्रेम संबंध का, शुद्ध प्रेम संबंध का, वो समझ पाना असंभव है, असंभव है, असंभव है। इसलिए 500 वर्ष पूर्व जो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके प्रस्तुत हुए, अगर उस समुद्र की एक बूंद भी हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो हमारा मनुष्य जीवन सफल कहलाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि उनके जो राधा रानी का भाव है उसको हम समझने का प्रयास करें, उसमें सफलता प्राप्त करें और उनकी एक बूंद भी हमारे हृदय में प्रवेश करें, ये हम उनसे प्रार्थना करें। तो वैसे मैं होम टाउन से दूर हूँ इसलिए अपना हारमोनियम मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन जैसे बोलते हैं कि जितनी अपनी कैपेसिटी होती है उतनी हमें कृष्ण और राधा कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए आज राधाष्टमी के उपलक्ष्य में ये जो भजन है जो मैंने पहले कभी याद करा था उसकी 2-3 पंक्तियाँ मुझे याद हैं तो वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। राधे राधे मन बोले मन में अमृत रस घोले,
राधे मन भोरी, मन में अमृत रस घोरे, झूठी मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना, झूठी मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना, तुझ जीवन रस घोले, मन में अमृत रस घोले, राधे राधे मन भोले, मन में अमृत रस घोले, जीवन में फिर क्या बाधा है, जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है, जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है, निर्धन का तू धन है राधा, निर्धन का तू धन है राधा, प्रेम के इस अनमोल रतन को कौन तुला में तोले, राधे राधे मन भोले, मन में अमृत रस घोले, हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।